नमस्कार। देखिएगा, जो समास का टॉपिक चल रहा था और उस समास के टॉपिक में कोई भी टॉपिक पढ़ लो, पहले कोई सा भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम अगला जो समास है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यह है तुम्हारा द्विगु समास। बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द्विगु समास, द्विगु समास कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि द्विगु में कौन सा समास है। तो भैया द्विगु में द्विगु होगा, ये ध्यान रखें विशेष रूप से। तो द्विगु समास देखिएगा, यहां से देखना और यहां देखना, ये एक और ये दो, मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? दो भागों में डिवाइड। अब देखो, ये जो होगा आपका, ये एक संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा, क्योंकि द्वि 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 यानी दो, और दो क्या है? संख्या। तो यानी प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची, और वो किसका? गे यानी ग्रुप, ग्रुप यानी समूह, ग्रुप यानी समूह। ध्यान रखना, गौर से देखिएगा। द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, डेफिनेशन कितनी मस्ती में बन रही है। द्वि यानी दो, दो क्या है? संख्या। यानी पहला जो पद होगा आपका वो संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा। और गु यानी गे, गे यानी क्या? ग्रुप, ग्रुप यानी समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? समूह का। तो सीधी सीधी डेफिनेशन बन गई कि जिस समास में प्रथम पद एक संख्यावाची विशेषण हो और ग्रुप का या समूह का बोध कराए तो वो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। यानी द्विगु समास में आपको ने पढ़ा था कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, उसका ध्यान रखना है। यानी आपका ये जो पद होगा ये विशेषण होगा। कौन सा होगा ये विशेषण? लेकिन कौन सा विशेषण? संख्यावाचक, ध्यान रखना है, संख्यावाचक। और ये क्या होगा आपका? विशेष। क्या होगा ये? विशेष। यानी आपको संख्यावाचक विशेषण का ध्यान रखना है। आगे आपको संख्या मिलेगी, 100% संख्या मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो वह समास नहीं होगा। देखिएगा, मैं समझाऊं। अब देखिएगा, इस समास का जब विग्रह करेंगे, इस समास का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह करते समय अंत में क्या लिखेंगे हम? समाहार लिख दो, या समूह लिख दो, या संगम लिख दो, ये आप लिखोगे अंत में। विग्रह जब करोगे तो अंत में आपको ये लिखना पड़ेगा, समाहार लिख दो, समूह लिख दो, संगम लिख दो। अब देखिएगा कैसे आपको मिलेंगे। जैसे लिख दिया त्रिफला, अब ये पता कैसे चले त्रिफला, ये पता कैसे चले द्विगु समास है? तो देखो, यहां पर एक संख्या मिलेगी। मैंने आपको बोला है कि यहां एक संख्या मिलेगी, त्रि यानी तीन, और फल यानी फल। तो इसका विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। हुआ कि नहीं हुआ देखिएगा, द्विगु समास। और देखिएगा, जैसे लिख दिया चौराहा, देखिएगा गौर से, चौ यानी चार, यानी आप लिखोगे यहां पर चार राहों का समूह। यानी जो राह है, ये जो राह है, राह कहते रास्ता, इनकी विशेषता संख्या में बताई गई, फल की विशेषता भी यह संख्या में बताई गई है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, यहां एक संख्यावाची पद आपको 100% मिलेगा। देखिएगा आगे आ गया चतुर्भुज, चतु यानी लिखना है चार, भुज यानी भुजाओं, चार भुजाओं का समूह। देखो मैं आपको बता दूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर चतुर्भुज में तो आपने वह बहुव्रीय समास बताया और यहां आप द्विगु बता रहे हो। देखिएगा विग्रह पर डिपेंड करता है। अगर जैसे मैं बोलू दस अंग, तो अगर मैं बोलू विग्रह करूं दस मुंह है जिसके, अर्थात रावण, तो बहुव्रीय समास। अगर मैं बोलू
समास और नॉर्मल दे दे कि दशानल में कौन सा है, नीचे ऑप्शन में मिल जाए, द्विगु भी मिल जाए, बहुव्रीय भी मिल जाए, तो आपको सबसे पहले बहुव्रीय करना पड़ेगा टिक, ध्यान रखना है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो, ध्यान रखना इस बात का। विग्रह पे, विग्रह पे आधारित होते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, और अगर ये होता चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात, तो कौन सा हो जाता, अन्य अर्थ निकल के आता, तो कौन सा हो जाता, बहुव्रीय समास हो जाता। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के रूप में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा, मैं लिख दूंगा आपको सप्ताह, अब सप्ताह में लिख रहा है सप्त, सप्त यानी सात, अब सात भी लिख सकते हो सात, अहन, अहन कहते हैं दिनों, अहनो यानी दिनों का समूह, सात दिन होते हैं उसका समूह, सप्त अहन यानी सात, अहन यानी दिनों का समूह, तो ये हो गया। आपको ध्यान रखना है पंचपात, पांच पात्रों का समूह, अठन्नी आठ अनाओं का समूह, चवन्नी चार अनाओं का समूह। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां आपको एक संख्यावाची पद मिलेगा, और वो ये जो विशेष होंगे इनकी विशेषता बताएगा, विशेष रूप से ध्यान, ठीक।